हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुपर कोचिंग बिहार बाई टेक्स्ट बुक में और सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आज हम आपके सामने एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें बिहार सिविल कोर्ट के प्यून की जो वैकेंसी निकली है जो प्यून के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या है और उनको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या आपका सिलेबस है कौन कौन से सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं और मैथ्स का क्या सिलेबस है मैथ्स में क्या टॉपिक है ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले मेरे लाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे यहां पे जो वैकेंसी निकली है प्यून की वो वैकेंसी कितनी है और किसके कितनी वैकेंसी के लिए ये भाई भर्ती होने जा रही है तो आपको पता है सिविल हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है सोलह ठीक है अब आपको ये देखना है कि यार सोलह वैकेंसी के लिए मैं प्यून की बात कर रहा हूं ठीक है तो सोलह वैकेंसी के लिए आपको जो पेपर होना है पेपर एक शर्त पे होना है मतलब शर्त ऐसी कि जैसे आपको पता होगा कि जो पहला मतलब अगर अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट रख टेस्ट रखा जाएगा अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट हटा के डायरेक्ट मेन एग्जाम ही आपका लिया जाएगा जो रिटर्न वाला होना है ठीक है तो यहाँ पर और ये तो आप जानते ही हो कि यार यहाँ पे इतने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं इतने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और इतने बच्चे पढ़ के बैठे हुए तो आपको ये तो पता ही है कि फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे तो यार एक तरीके से देखा जाए तो प्री प्रीमेन्स होना ही होना है ठीक है प्री मेन्स होना ही होना है तो देखो पहले तो आप ये समझ लो सारे बच्चे कि सोलह वैकेंसी के लिए भाई काम चल रहा है मतलब सोलह वैकेंसी के लिए ये फॉर्म भरे जाएंगे और आप देखिए यहां पे क्या देखना है आपको कि जो प्री का सिलेबस होगा जो प्री का सिलेबस होगा जो पीटी का सिलेबस होगा वहां पे क्या-क्या पूछा जाएगा पहले तो हम ये आपके साथ आपको बता दें कि प्री के सिलेबस में क्या क्या आ सकता है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो प्री के सिलेबस में आपका आएगा मैथ्स ठीक है दूसरा आएगा आपका हिंदी जीके और जीएस आएगा और बेटा यहां पर क्या पूछा जाएगा जीके जीएस के साथ यहां पर इंग्लिश भी आएगा ठीक है ये आएगा और यहां पे आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव मार्क्स का यह आएगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का यहां पर आएगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का यहाँ पर आएगा और ट्वेंटी फाइव मार्क्स का यहाँ पर आएगा यानी ये मार्क्स ऐसे डिवाइड होंगे और ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये क्वालिफाई हो गया तब आपको मेन एग्जाम देना होगा जो इनका एग्जाम होना है ठीक है ये स्क्रीनिंग के लिए है मतलब जो बच्चे ज्यादा भीड़ को कम करने के लिए ठीक है एक कट ऑफ यहाँ पर जारी कर देंगे तो जितने बच्चे उनको लेने होंगे लगभग उतने यहां पर आ जाएंगे उसके बाद वो कट ऑफ वहां से बना दी जाएगी तो जो भी बनाई जाए कट ऑफ ये जो आपके टेस्ट होगा पहले 25 25 25 पच्चीस मार्क्स का मैथ्स हिंदी जीके जीएस और इंग्लिश होगा दूसरी बात सुनो कि जब इनका रिटर्न एग्जाम होगा ठीक है जो रिटेन एग्जाम होगा यानी ये एग्जाम हो गया उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा और रिटेन एग्जाम में देखो क्या होगा यहां पे यहां पे आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर एटी फाइव मार्क्स के लिए रिटर्न एग्जाम होगा 85 मार्क्स के लिए यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और क्या क्या यहां पर पूछा जाएगा सारी जानकारी हम आपको बताएंगे यहां पर रिटर्न एग्जाम में आप देखेंगे मैथ्स इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी क्या पूछी जाएगी मैथ्स इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी अब कितने कितने मार्क्स के होंगे मैं आपको बता दूं थर्टी फाइव मार्क्स का पूछा जाएगा क्या मैथ्स इंग्लिश पूछा जाएगा बीस मार्क्स का सॉरी पंद्रह मार्क्स का ठीक है ये पंद्रह मार्क्स का पूछा जाएगा और यहां पर पैंतीस मार्क्स का पूछा जाएगा हिंदी ठीक है पंद्रह मार्क्स तभी पचासी हुआ पंद्रह मार्क्स का क्या पूछा जाएगा आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा पैतीस मार्क्स का ये होगा ये मेन एग्जाम आपका हो रहा होगा और जो पंद्रह नंबर इसके बच्चे जो पंद्रह नंबर बच्चे इसको भी यहां पर आपके ये इंटरव्यू वाले मार्क्स होंगे ठीक है और आपको पता है ये मार्क्स भी कैसे मिलेंगे इंटरव्यू वाले जो मार्क्स होंगे वो केवल दस नंबर होंगे और पांच नंबर जो होगा वो स्पेशलाइजेशन का होगा ठीक है जैसे जैसे कोई क्या है प्यून की भर्ती है भाई यहाँ पे तो क्या हो, होता है कि अगर आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हो है ना तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे यानी पहले से आप वो काम करते थे आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है ठीक है किसी भी क्षेत्र में प्यून में प्यून कैटेगरी में किसी में भी अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसके मार्क्स क्या मिलेंगे पांच नंबर यहां पर आपको दिए जाएंगे ओवरऑल देखा जाए तो ये सौ नंबर का ही होगा टोटल सौ मार्क्स का होगा ये भी ठीक है और ये स्टार्टिंग वाला भी पीटी जो आपका होगा ये भी सौ मार्क्स का होगा तो ये है एक जो आ, मैंने आपको बता दिया कि पेपर कैसे कैसे यहां पर बनेगा अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि मैथ्स के सिलेबस में क्या आएगा यहां पर पैंतीस मार्क्स कैसे कवर किए जाएंगे ठीक है तो इसकी जानकारी जरा ले लेते हैं तो देखो प्यून की भर्ती में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं पूछा जाएगा बहुत सिंपल सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है कम टॉपिक हैं, ठीक है टॉपिक कौन कौन से हैं जैसे पहला टॉपिक अगर हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं यहां पर मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में देखिए क्या है पहले तो हम कहेंगे यहां पर मैथ्स में आपका आएगा क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम ठीक है नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में ठीक है और ये यहां पे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पर आएगा आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है और इनसे बहुत नॉर्मल बहुत आसान से प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे आप लोग सभी लोग तैयार रहना जब हम इसका बैच स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे बस आपको रोज टाइम से पहुंचना है जो भी टाइम रहेगा हम आपको अपडेट कर देंगे उस टाइम पे आपको बैच में आना है अब देखो परसेंटेज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ठीक है और चौथे नंबर की अगर बात करें तीन टॉपिक ये हो गए नंबर सिस्टम परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा टॉपिक हो सकता है भाई और कौन सा टॉपिक होगा इसके बाद आप देखिए तो आपका आ जाएगा रेशियो इन प्रपोर्शन ठीक है और और टॉपिक कौन सा आएगा एलसीएमएससीएफ जरूर पूछा जाएगा एलसीएम एंड एस ठीक है आपका एस आई जरूर पूछा जाएगा यहां पर एस आई एंड सीआई ठीक है रेशियो प्रोपोर्शन हो गया एस आई हो गया ठीक है रेशियो प्रोपोर्शन हो गया एस आई सी आई हो गया एल सी एम एस सी एफ हो गया और और कौन सा टॉपिक आ सकता है यहां पर एज आएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस आएगा टाइम एंड वर्क आएगा आप देखेंगे टाइम एंड वर्क ठीक है एज का टॉपिक पूछा जाएगा ठीक और और यहां पे कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि यार आपको पता है ये प्यून के लिए है और प्यून के लिए क्या ही आपसे ज्यादा पूछा जाएगा ठीक है तो जितना ज्यादा जितना जो कुछ यहां पर पूछा जा सकता है जिस जिस टॉपिक से वो हम आपके सारे टॉपिक यहां पर लिख रहे हैं और फिर हम जब आप बैच स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जैसे मॉक टेस्ट जैसे जैसे आपके एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल पेपर की तरह तैयार करके यहाँ पर सारा कुछ बताया जाएगा ठीक है तो ये हो गया टाइम स्पीड एंड और डिस्टेंस और, और एक टॉपिक आप मान लो कि मैंसुरेशन पूछा जाएगा क्योंकि मैंसुरेशन हर एग्जाम में थोड़ा 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 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है और बहुत टफ नहीं आएंगे बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे मैंसुरेशन के अगर पूछे जाएंगे ठीक है मैंसुरेशन के अगर पूछे जाएंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर जितने टॉपिक लिखे हुए ये सारे ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितने टॉपिक मैक्सिमम बन सकते हैं सभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ठीक है और इनको अच्छे से आप तैयार कर लो इसके बाहर नहीं आएगा मैथ्स यहीं से आपका पूछा जाएगा और पैंतीस नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे ठीक है पैंतीस नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा पंद्रह नंबर का आपका आ रहा है क्या इंग्लिश और हिंदी आ रहा है पैंतीस तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आप अच्छे से प्रिपेयर करो डरने की जरूरत नहीं है ठीक है आपके पास प्लेटफॉर्म है आप यहां पर आके पढ़ सकते हो ठीक है आप बिहार अगर जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं उसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जो भी प्यून का जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सब चलाए जाएंगे ये जितने भी जितने भी टॉपिक हैं तो सारे बच्चे सारे बच्चे बस आप जान लो कि बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है यहां पर किसकी सिविल जो आपने हाई कोर्ट का एग्जाम जो आपने भरा है ठीक है उसमें प्यून के लिए हम हमने यहाँ पर सिलेबस बताया है तो याद रखना भाई ये प्यून के लिए है ठीक है चलिए तो बस आप अच्छे से यहां पर प्रिपरेशन करिए जो भी बैचेस चलेंगे वो आपको अपडेट करे जाएंगे चलिए तो आज के लिए यहीं तक इस वीडियो में और मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय थैंक यू वीडियो अगर पसंद आया तो सारे बच्चे एक बार शेयर कर देना भाई ठीक है चलिए